खबर मोगा तो है जिथे किसानों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर अगे धरना दिता होया सी। इस मौके किसानों ने SHO के पैर उपर गड्डी चढ़ा दिती। बाद विच पुलिस ने धरनाकारी गड्डी चालक नूं हिरासत विच ले लिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अपनी मंगां नूं लैके डिप्टी कमिश्नर मोगा के दफ्तर अंदर धरना 12 दिनों तो दिता जा रहा है। इस तों बाद SHO नूं मोगा के सिविल अस्पताल विखे दाखिल करवाया गया। DSP भुपिंदर सिंह का कहना है कि किसानों के धरने दौरान SHO के पैर उपर गड्डी चढ़ा दिती। इस तो इलावा DSP भुपिंदर सिंह ने दस्सिया कि किसान ने दारू पीती हुई सी, जिस तो बाद गड्डी चलाने वाले किसान नूं मेडिकल करवाने लई सिविल अस्पताल भेजा गया। अंडर ड्यूटी के संबंध में मौजूद थे DC ऑफिस के किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कितने किसान से बट अपनी गड्डी बैक कर रहा है, तो बैक करते तो मेरे कितने पैर से चढ़ गई है गड्डी वो तो, मैं ठीक हाँ बिल्कुल, पैर मेरा ठीक है बिल्कुल, हाँ एक्सरे ठीक है या सब कुछ ठीक है, ओके नॉर्मल है, मैं चल फिर सकता। हाँ जी आए थे जथेबंदी, मेरा पता लग गई है, कोई गल नहीं, साढ़े भाई है वो आके मेरे को इतने दफ्तर आके भी पता लग गया, हॉस्पिटल से भी पता लग गया। नहीं वो तो असं उन्होंने बेनती कर रहे थे लास्ट टाइम, चलो उन्होंने साइड से लगा ले व्हीकल, तो असं उन्होंने कहा भी चलो इतने DC ऑफिस के DC साहब की गड्डी लगती है भी तुम इधर ना लगाओ, पर वो मन गए थे, वो कहते चलो असं साइड से लगा लें। इस बारी तो बिल्कुल अचानक ही असी मैं मतलब खड़ा सीगा सी, तो पिछों एकदम उन्होंने पता नहीं लग्या गया तो पैर से चढ़ गई गड्डी। मेरा नाम राणा रणवीर सिंह, सूबा कोर कमेटी मैंबर, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का। इस तरह से मतलब गड्डी मोड़ लगे से अचनचेत ही होया, SHO साहब कितने ढो ला के खड़े थे, वो ड्राइवर ने कितने देखा नहीं गया, जो गड्डी बैक कर लगा वो माड़ा जहा पैर उत्ते उन्होंने नाल दिखा कि लंघ गई, होर कोई वड्डी गल नहीं हैगी, बाकी सब ठीक है, वो अचनचेत होया। गेट बंद करने की कोशिश की थी नहीं ना, उन्होंने गेट बंद कर तो रोकया और ना असी तो वैसे ही साडा लाण से बंद है, वो वैसे खड़े थे गड्डी के हाथ पा के ढो ला खड़े, तो कितने जो गड्डी स्पीकर वाली बैक मोड़ लगे मूँह दूजे पास कर लगे तो उदो कि पैर ना उन्होंने जरा मूरला टायर हादसा कुदरती हो गया ना, उत्थे मगर भी उन्होंने गए बंदे भेजे हुए।